नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सलीमपुर ऑल इंडिया किसान मोर्चा के आह्वान पर आज सलीमपुर में उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सलीमपुर को 8 सूत्री मांगों व 3 कृषि कानून रद्द करो, बिजली बिल 2020 को रद्द किया जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण बंद किया जाए, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाए, किसान आंदोलन में शामिल किसानों का उत्पीड़न बंद किया जाए, पत्रकारों का उत्पीड़न बंद किया जाए और गैर कानूनी तरीके से बंद पत्रकारों को रिहा किया जाए को लेकर एसडीएम सलीमपुर को ज्ञापन सौंपा गया। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियां किसानों के लिए दमनकारी है, यह सरकार पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान रामनिवास यादव, हरे कृष्ण कुशवाहा, जावेद हाशमी, बलविंद्र मौर्य, जयप्रकाश सिंह, गंगा देवी आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे